देखिए हमने लास्ट क्लास आपको व्हाट इज अकाउंटिंग पढ़ाया, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ाया, हु आर द यूजर्स, व्हाई दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन बताया, कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, इवेंट्स किसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्डेड होते हैं, रिसीविंग गिविंग, उसका फिर समरी बनाते हैं अपने लेजर, दे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जो सारे फाइनेंशियल आइटम्स हैं वो रिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स हैं, वो फाइनल अकाउंट में एक जगह जाता है। उसके बाद अपने इवेंट्स फाइंड आउट करते हैं, कुछ कुछ फाइनेंशियल आइटम्स जो ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्डेड नहीं होते, वी हैव टू वेट फॉर द ईयर टू एंड एंड देन ओनली वी कैन फाइंड आउट दोज आइटम्स, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, नेट प्रॉफिट, प्रीपेड, तो ये सब नॉट रिकॉर्डेड है। तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इसका दो इफेक्ट आता है, राइट? सो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग नाउ। तो आज हम लोग वो पूरा प्रोसेस समझेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, बट बिफोर गेटिंग इन टू दैट हम आपको कुछ कुछ बताना चाहते हैं। जैसे जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, सो वी टेक लॉट ऑफ अजम्पशंस, रूल्स आर देयर, प्रिंसिपल्स आर देयर, कॉन्सेप्ट्स आर देयर, राइट? तो अकाउंटिंग करते वक्त हम लोगों को ये सब चीज फॉलो करना पड़ता है, राइट? इसीलिए मेनी कॉल है, मेनी कॉल बहुत लोग अकाउंटिंग को साइंस भी बुलाते हैं, क्योंकि साइंस एक प्रिंसिपल बेस्ड सब्जेक्ट है। वैसे अकाउंटिंग में भी इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब एक गिवन सेट ऑफ फ्रेमवर्क रहता है, अकाउंटिंग एक फ्रेमवर्क के अंदर में रहता है। अकाउंटिंग वर्क्स, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्क्स विद इन अ फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हुए हम लोग बहुत सारा अजम्पशंस, रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज फॉलो करते हैं। अभी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये अजम्पशंस लेने लगा, रूल्स फॉलो करने लगा, राइट? अच्छा, कुछ कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोग डिफर करने लगे रूल्स में, बोला मैं ये रूल फॉलो करूंगा, कोई बोलता है मैं ये रूल फॉलो करूंगा। तो सरकार ने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इश्यू कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है तो उसको इन कंफॉर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ता है। इज दैट फाइन? हाँ, तो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वी टेक लॉट ऑफ अजम्पशंस, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होता है जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। मतलब आज अगर हम ये अजम्पशंस नहीं लेते, ये रूल्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करते तो अकाउंटिंग का रूप कुछ और ही होता, अकाउंटिंग का रूप कुछ और ही होता। बट अकाउंटिंग जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग देखते हैं या देखेंगे, उसका रूप कुछ अलग सा होता है, राइट? सो इसलिए अकाउंटिंग को साइंस भी बोला जाता है। एंड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन रूल्स, प्रिंसिपल्स में सरकार ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कर दिया विच एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाउ सपोज टू फॉलो। यूनिफॉर्मिटी आने से क्या होता है, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मेजर कर सकते हैं। अगर कोई कुछ रूल फॉलो कर रहा है, कोई कुछ रूल फॉलो कर रहा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते वक्त, सो देर कैन नॉट बी इन यूनिफॉर्मिटी, वी कैन नॉट कंपेयर टू फर्म्स, राइट? सो यू विल बी एबल टू कंपेयर टू फर्म्स। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा चीजों में, राइट? सरकार का काम इजी हो जाएगा जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करता है, राइट? सो काफी सारा फायदा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का, राइट? एंड हर लोगों को अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके बनाना है। तो व्हाट आर दीज अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स? सबसे पहला है, दो तीन तो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरे को वो प्रोसेस में काम लगेगा। एक है सेपरेट एंटिटी। क्या सेपरेट एंटिटी? अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता ना, तो आज हम लोग पीएल में पर्सनल एक्सपेंसेस को भी ले रहे होते। लेकिन क्या हम लोग पीएल में पर्सनल एक्सपेंस लेते हैं? क्यों?
तो क्यों? क्योंकि सेपरेट एंटिटी बोलता है ओनर एंड इज बिजनेस आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज, दोनों अलग अलग हैं. दूसरा, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आज गवर्नमेंट को क्या लेना देना है, तुम घर में क्या कर रहे हो, तुम्हारे लेंडर्स को क्या लेना देना, बिजनेस का परफॉर्मेंस उसको मतलब है, राइट? सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इनफ्लो आउटफ्लो एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू ओनली बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, डी, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट इफ पर्सनल एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ बिजनेस. क्या बोल के दिखाएंगे? ड्रॉइंग्स. एंड इफ पर्सनल इनकम आर पुट इनटू बिजनेस, क्या बोल के दिखाएंगे? पर्सनल इनकम को जो बिजनेस में ढालेंगे, फर्दर कैपिटल. ठीक है, तो आज अगर ये अजम्पशन हम नहीं लेते ना, अकाउंटिंग का रूप कुछ और ही होता. राइट right? सो अकाउंटिंग जब भी करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, उसमें लिखा रहेगा ओनर ने खरीदा, ओनर ने बेचा, ओनर मतलब सारा एक्टिविटी ओनर ही करता है, बट ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मतलब जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा इनटू द बिजनेस, सो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, तो बिजनेस को कैश मिल रहा है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, सो ये पहला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल सुनो. सपोज एक बिल्डिंग है चार तल्ले का, ठीक है, 80,000 उस बिल्डिंग का भाड़ा है. कितना भाड़ा है? कितना? एक बिल्डिंग है उसमें 80,000 बिल्डिंग का भाड़ा है. कितना भाड़ा है? 80,000. तो आप मेरे को बताइए, बिल्डिंग का भाड़ा 80,000 है, चार तल्ले का बिल्डिंग है, थ्री फ्लोर्स, तीन तल्ला हम ऑफिस पर्पस में यूज कर रहे हैं, ऑफिस पर्पस में यूज हो रहा है, और एक रेसिडेंशियल पर्पस में यूज हो रहा है, तीन बिजनेस पर्पस में और एक घर रह, हम खुद रहते हैं उसमें, तो बताओ कितना रेंट पीएल में आएगा? रेंट एक्सपेंस पीएल में कितना दिखाएंगे? 60,000. 80,000 पूरे चार तल्ले का बिल्डिंग का भाड़ा है, तीन तल्ला हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, 60,000 पीएल में एक्सपेंस बोल के आएगा.
20,000 जो है वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, वो बिजनेस में कब आएगा और क्या बोलकर दिखाएंगे? वेरी गुड, पहला बात तो पर्सनल एक्सपेंस आता नहीं है, अगर उसका पैसा बिजनेस से दिया जाएगा तो उसको ड्रॉइंग्स बोल के दिखाया जाएगा, एक्सपेंस बोल के नहीं दिखाया जाएगा। इज दैट फाइन? अगर ये सेपरेट एंटिटी नहीं होता तो तुम क्या कर रहे होते? बिजनेस एक्सपेंस को पर्सनल एक्सपेंस के साथ कंबाइन करके दिखा रहे होते, तो पीएल का रूप कुछ और हो जाता। पीएल में तुम्हारा बिजनेस इनकम होता, पर्सनल इनकम भी होता। पीएल में तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंस होता, पर्सनल एक्सपेंस भी होता। तो पीएल तो ऐसा नहीं दिखता ना, पीएल कैसा दिखता है? बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंस। पर्सनल इनकम, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में नहीं आता। अगर उसका पैसा का लेन देन बिजनेस से हुआ है तो ड्रॉइंग्स और फर्दर कैपिटल बोल के दिखाया जाएगा। समझ में आ गया मेरा बात? हाँ, इज दैट फाइन? आइए नेक्स्ट, नंबर टू, मनी मेजरमेंट। बता दिया हमने आपको ऑलरेडी ट्रांजैक्शन में मनी और मनी इज वर्थ, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ होना चाहिए, बरोबर है? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉई नॉट रिकॉर्डेड। क्यों? मनी और मनी इज वर्थ में मेजर नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों को, कोई मेजरिंग टूल बना ही नहीं है अभी तक, ठीक है? अच्छा, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग। मतलब अगर कोई हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या हम फॉरेन बैंक से लोन लेते हैं, राइट? जैसे इंडियन बैंक से लोन लेता है, फॉरेन बैंक से भी, विदेश से भी, स्विस बैंक से भी लोन ले सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका से भी ले सकते हैं, राइट? ये आप लोग आगे जाके सीखेंगे। तो हमको रुपया तो डॉलर में मिलेगा, तो उस डॉलर को हम इंडिया में बेचेंगे ना, क्योंकि डॉलर तो चलेगा नहीं, तो हम उस ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करेंगे? डॉलर में कि रुपया में? रुपीज में, राइट? सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग। ये सब मनी मेजरमेंट बोलता है। क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट, ठीक है? समझ में आ गया? मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? जो चीज मनी या मनी इस बात में मेजरेबल है उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, जो मेजरेबल नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जिस करेंसी, जिस कंट्री में तुम बिजनेस चला रहे हो उसी कंट्री का करेंसी में तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, पीरियडिसिटी। आज अपने ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करते, पीएल एक साल का बनाते हैं, पीएल दो साल का क्यों नहीं बनाते? एजम्पशन। सो एन अकाउंटिंग पीरियड इज अज्यूम टू बी ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है? ठीक है? हाँ, ऑल्सो स्पेसिफाइड बाई सम स्टेट्यूट, बहुत सारा कानून में भी लिखा है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑब्लिक कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन 1949। सो बिजनेस का लाइफ फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, सदा बाहर चलता रहेगा।
तो उसका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, उसका क्या परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम लोगों को बिजनेस का लाइफ को स्मॉल स्मॉल हिस्सा में तोड़ना पड़ेगा. आज मान लो हम ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, कहीं तुमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं रुकेंगे तो हम टोटल परचेस टोटल सेल नहीं निकाल पाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. और जब तक टोटल परचेस टोटल सेल और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट. सो वी हैव टू स्टॉप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन दैट डेट. अगेन आगे बढ़ेंगे. धंधा नहीं कब बंद करने बोल रहे हैं, बही खाता हर साल में चेंज करने बोल रहे हैं. जनवरी में स्टार्ट किया, दिसंबर में बही खाता चेंज कर लो, फिर नया जनवरी से नया बही खाता. जो पुराना बही खाता है उसमें जितना भी ट्रांजैक्शन है सबका लेजर बना लो, ट्रायल बैलेंस बना लो, इवेंट्स फाइंड आउट कर लो, और फिर फाइनल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट कम्युनिकेट कर दो. समझ में आ रहा है? सो बिजनेस का परफॉर्मेंस को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमको कहीं रुकना पड़ेगा. तो 12 महीना में रुकेंगे तो 12 महीने का टोटल परचेस सेल आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और 12 महीने के बाद का फाइनेंशियल पोजीशन निकाल लेंगे. क्लियर है? हाँ. तो ये तीन हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, राइट. अच्छा, गुड्स किसको बोलते हैं? बेचने के लिए जिसको खरीदा गया है. किसको? बेचने के लिए खरीदा गया. एंड लिखाया है क्या लास्ट क्लास? हम ये देखो तो गुड्स तो अभी हम लोग तीन ही प्रिंसिपल पढ़ा, तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, बट उसके पहले एक और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, गुड्स एंड जो काम किए ना इसको खराब करके क्या बोलेंगे. गुड्स ऑब्लिक फिक्स्ड एसेट ऑब्लिक कंज्यूमेबल आइटम, समझना पड़ेगा हम लोगों को. प्रोडक्ट है, हाँ, रीसेल के लिए खरीदा गया है, या प्रोडक्ट है रीसेल के लिए खरीदा गया है, या फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल बेसिकली. या तो खरीद के हम सीधा बेच देंगे या खरीद के प्रोसेस करके बेचेंगे, राइट. या आप यूज के लिए खरीदते हैं. अच्छा, कहां पे? आइदर कहां यूज करेंगे? आइदर इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस. जैसे हम लोग ये जो प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. हमारे पास एक और कंप्यूटर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यूज हो रहा है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, राइट. और एक चीज याद रखना, लाइफ मोर देन 1 ईयर होगा.
ठीक है हाँ, या तो हम रीसेल के लिए खरीदा हूं या हम यूज के लिए खरीदा हूं, और यूज एक साल नहीं करेंगे, मोर देन वन ईयर यूज करेंगे सर। और थर्ड है यूज है बट लेस देन वन ईयर, ठीक है। तो जो चीज बेचने के लिए खरीदा गया है उसको बोलेंगे हम गुड्स, यूज मोर देन वन ईयर को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड एसेट, और ये हो गया कंज्यूमेबल्स आइटम्स, क्या बोलेंगे इसको कंज्यूमेबल आइटम, मतलब एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाएगा। तो गुड्स जब खरीदते तो क्या लिखेंगे, परचेज डेबिट टू कैश, नॉमिनल अकाउंट हो गया। एसेट खरीदते तो क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एसेट हो गया है ना। और इसका एग्जांपल आएगा स्टेशनरी, क्या स्टेशनरी, दैट इज स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ यस और नो। सो परचेज को हम लोग क्या मानते हैं, एक्सपेंस, इसको क्या मानते हैं एसेट, और इसको क्या मानेंगे एक्सपेंस। देखा प्रोडक्ट गुड्स, ये तीनों ही प्रोडक्ट है, साइंस स्टूडेंट के लिए ये तीनों ही प्रोडक्ट है, बट अकाउंट्स के लिए तीनों अलग अलग मीनिंग हो गया। गुड्स तुमको ट्रेडिंग कंसर्न में देखने मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि इसी का लिया बेच होता है। फिक्स्ड एसेट तुमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुड्स भी देखने मिलेगा, फिक्स्ड एसेट जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है जैसे मेरा जैसा सर्विस प्रोवाइडर। और कंज्यूमेबल आइटम्स हर ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह कंज्यूम होता है, यूज के लिए है, बेचने के लिए नहीं है, ऑफिस पर्पस, या कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हो सकता है स्टेशनरी गरीबों में फ्री में बांट रहा हो या मेडिसिन फ्री में बांट रहा हो, तो उसके लिए वो कंज्यूमेबल आइटम हो जाएगा। ठीक है देखा ना अकाउंटिंग, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, ये दोनों यूज के लिए है, ये बेचने के लिए है। यूज मोर देन वन फिक्स्ड एसेट, यूज लेस देन वन मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स है, राइट हटा दे। आइए अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका पहले हम लोग जर्नल बनाएंगे, राइट। देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन भेजा आप लोगों को, एग्जाम्पल है, पहला ही एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग रिकॉर्डिंग, वही बुककीपिंग, ठीक है पढ़िए पहले अच्छा से। तो सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन मतलब विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, जो चीज मनी और मनी इज वर्थ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, नॉट अ ट्रांजैक्शन,
तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, राइट। ठीक है, अच्छा अभी हमने आपको बताया, मेरे को बताइए आप लोग, ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा? इन द बुक्स ऑफ एक्स की कृष्णा गारमेंट्स, बिजनेस के नाम बुक्स का बनता है, सो इन द बुक्स ऑफ कृष्णा गारमेंट्स, राइट, जनरल डेट पर्टिकुलर्स राइट, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। हमको नहीं पता आप लोग ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बट ट्रांजैक्शन मतलब जो जर्नल में अपने रिकॉर्ड करते हैं, रिसीविंग एस्पेक्ट को, जो भी हमें रिसीव होता है, राइट, रिसीविंग एस्पेक्ट को हम कर देते हैं क्रेडिट, क्या करते हैं क्रेडिट, और गिविंग एस्पेक्ट को क्या करते हैं हम डेबिट। सिंपल सा लॉजिक है सर, वो हम लोग को गोल्डन रूल सिखाया गया था, दरकार नहीं है, मॉडर्न अप्रोच से भी आप लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। सो वॉट एवर यू रिसीविंग उसको कर दो डेबिट, वॉट एवर यू आर गिविंग, हु आर यू, बिजनेस, हु आर यू, बिजनेस, उसको कर दो क्रेडिट। बेसिकली दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, कुछ मिलने से प्लस होता है, कुछ देने से घटेगा तो माइनस, सिंपल लॉजिक है, राइट। बाद में देखेंगे क्या मिला है, एसेट मिला है कि एक्सपेंस मिला है, राइट, वो सब बाद में देखेंगे, अभी नहीं, राइट। पहले रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग, लेकिन गोल्डन रूल क्या करता है, पहले क्लासिफाई करवाता है, उसके बाद रूल्स लगवाता है, बट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कोई रूल ही नहीं चाहिए। तुम लोग पढ़ा है ना, एवरी हर ट्रांजैक्शन में एक दो सिक्के की तरह, एक सिक्के की तरह दो पहलू होते हैं, एक रिसीविंग, एक गिविंग। तो जो भी रिसीव हुआ उसको डेबिट कर दो, जो भी दिया उसको क्रेडिट कर दो, यस और नो? अगर मिला नहीं है, मिलेगा तो डेटर्स डेबिट हो जाएगा, जिससे लेना है, दिया नहीं है देंगे तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा, जिसको देना है। लॉजिक तो बड़ा सिंपल है, राइट। उसके बाद देखेंगे कैपिटल क्या है, कैश क्या है, सैलरी क्या है, फिक्स्ड एसेट क्या है, फिर क्लासिफाई करेंगे, बट जनरल करने के लिए अपने को क्लासिफिकेशन का दरकार नहीं है। सो पहला ट्रांजैक्शन में डेट तो नहीं है, लेकिन नंबर लिख रहे हैं, पहला ट्रांजैक्शन में बोलिए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख, बिजनेस में क्या आ रहा है, रिसीविंग एस्पेक्ट कैश हो गया 3 लाख, वेट, गिविंग एस्पेक्ट कुछ दिया है, बिजनेस कुछ दिया है क्या, तो ये पैसा कहां से आया, सप्लायर देखो, अगर आप कुछ नहीं देते हैं इन दैट केस आप सप्लायर देते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो इन दैट केस देखो रिसीवर कौन है, सिंपल लॉजिक है। वॉट एवर रिसीव डेबिट, वॉट एवर गिव क्रेडिट, अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो क्या देखेंगे,
सप्लायर कौन है, और अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो क्या देखेंगे, रिसीवर कौन है। पहले देखो क्या मिला क्या दिया है, राइट, व्हाट हैज बीन रिसीव, व्हाट हैज बीन गिवन। अगर व्हाट हैज बीन गिवन नहीं पता तो देखो किसने दिया है, सप्लायर खोजो, और व्हाट हैज बीन रिसीव्ड अगर नहीं पता तो देखो रिसीव किसने किया है। इज दैट फाइन, हाँ, सिंपल लॉजिक है। वॉट एवर वी रिसीव वी डेबिटेड, वॉट एवर वी गिव वी क्रेडिट दैट। इफ आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग, अगर मैंने कुछ नहीं दिया है तो हमको क्या देखना है, सप्लायर कौन है। अगर हमको कुछ नहीं मिला तो क्या देखना है, रिसीव। यही तो गोल्डन रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वो रूल नहीं बता के हम तुमको सिंपल लॉजिक में समझा दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब तुमको सर्विस रिसीव हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम्स मतलब तुमने सर्विस दिया है, बात वही है बेटा, बट रूल वाइज नहीं समझाया, सिंपल लॉजिक वाइज समझाया, राइट। सो कैश मिला है, क्या हमने कुछ दिया है, नहीं, तो हु इज द सप्लायर, एक्स, तो उसको अपने कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल, कैपिटल मतलब एक्स, एक्स को डिनोट करेगा, राइट, 3 लाख, सिंपल। अभी क्लासिफिकेशन कर, कैश मिला है क्या दिया पता नहीं सर, आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग, देन आई एम लुकिंग फॉर सप्लायर, कुछ हम नहीं देंगे तो आई लुक फॉर गिवर। नंबर टू क्या है, नेक्स्ट, बैंक अकाउंट विथ रुपीज 50,000, पैसा कहां आया है, तो बैंक रिसीविंग हो गया, कहां से आया, कैश दे दिया तो कैश चला गया, सिंपल लॉजिक है ना। तो यहां पे पता है क्या रिसीव हुआ क्या दिया, बैंक में पैसा रिसीव हुआ, कैश दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा है कैश में 20,000, क्या मिला है, फर्नीचर, क्या दिया है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, कोई लॉजिक लगाने का दरकार ही नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट, 10,000 पीसेस गुड्स खरीदा है 100 रुपए करके, मतलब 10 लाख का माल खरीदा है, क्या रिसीव हुआ है, गुड्स, गुड्स, गुड्स की एसेट की कंज्यूमेबल आइटम, क्योंकि बेचने के लिए खरीदा है, वेरी गुड। तो अपने जब गुड्स मिलता है तो अपने उसको परचेज बोल के लिखेंगे, है ये गुड्स अकाउंट, क्या है ये, गुड्स अकाउंट। कुछ दिया है क्या, लिखा उधार में खरीदा है, कुछ दिया है, कुछ दिया है, तो सप्लायर कौन है, क्रेडिटर, क्या सप्लायर कौन, सप्लायर का नाम क्या है, क्रेडिटर। ओनर, ओनर भी सप्लायर था, वो सप्लायर ऑफ मनी था, उसका नाम था कैपिटल। सप्लायर ऑफ गुड्स का नाम क्या है, गुड्स, क्रेडिटर, समझ में आ रहा है, सबका अलग अलग नाम है, राइट। सो टू, जब कुछ नहीं देंगे तो सप्लायर को खोजेंगे, क्रेडिटर हमारा सप्लायर है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल किया ना, क्या मिला है, देखो ऑन क्रेडिट है, कुछ मिला है, कुछ मिला है, नहीं, मिलेगा किससे, डेटर से, तो डेटर को डेबिट करेंगे, समझ में आ गया मेरा बात। कुछ नहीं मिला तो जिससे लेना है उसको डेबिट, कुछ नहीं दिया तो जिसको देना है उसको क्रेडिट। अच्छा, क्या दिया है, डेटर से जो पैसा लेना है, क्यों लेना है उसको, क्या दिया हमने, गुड्स दिए हैं उसको, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेल्स, तो परचेस भी गुड्स है, सेल भी गुड्स है, कितना, 8,000 × 150, कितना, 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। हाँ, किसी को अगर गोल्डन रूल लगा के करना है तो भी कर सकता है। भाड़ा पेमेंट किया हमने 2 रुपए पर पीस, क्या रिसीव हुआ हमको, सर्विस, क्या चीज का सर्विस है, गुड्स को पहुंचा दिया कोई मेरे घर में, सर्विस हो गया ना, यस और नो, हाँ, वेटर लोग क्या करता है, सर्विस देता है,
उसका पैसा देते हैं आप, राइट। तो वैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या हो गया, हर सर्विस का अपना अपना नाम है। किसी एम्प्लॉय का सर्विस लेंगे तो सैलरी, कोई मेरा गुड्स पहुंचा देगा तो उसको कैरेज ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, राइट। सो कैरेज सर्विस का नाम हो गया डेबिट, 20,000, 10,000 इंटू 2 रुपए करके पीस। कुछ दिया है बदले में, क्या दिया है, कैश दिया होगा ना, फ्री का थोड़ी है सर्विस। तो जो सर्विस मिला उसको डेबिट, कैश को क्रेडिट, डन। उसके बाद भाड़ा दिया 11 महीने का, सर्विस मिला है ना, जगह यूज किया ना किसी का, तो इस टाइप का सर्विस को क्या बोलते हैं, रेंट डेबिट। टू बदले में क्या दिया, कैश, कितना, 33,000। सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसको जिस तरीके से करना है करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ रिसीव हुआ है, रिसीव क्या क्या चीज होता है बताओ तो, या तो कैश वगैरह रिसीव होगा, मतलब प्रॉपर्टीज पोजेशन यही, या कोई सर्विस रिसीव होगा, अगर दोनों ही नहीं है तो रिसीवर देखेंगे, क्या देखेंगे, रिसीवर। क्या देता आप, व्हाट यू गिव, कैश वगैरह या कोई सर्विस देंगे आप, जो भी कैश, बैंक, चेक, एसेट कुछ भी दिया आपने, या कोई सर्विस देंगे, अगर दोनों ही नहीं है तो किसको खोजेंगे, सप्लायर को। क्या मिला नहीं पता है तो रिसीवर को खोजेंगे, क्या दिया नहीं पता है तो सप्लायर को खोजेंगे, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट, 10 लाख रुपए डेटर से मिला है ना, तो पैसा मिला है, देखो डेटर से लेना था हमको, डेटर को डेबिट किए थे, तो अब क्या करेंगे, कैश मिल गया तो अब डेटर को क्रेडिट कर देंगे ना, 10 लाख, 10 लाख सर, 2 लाख रह जाएगा बाकी, ठीक है, 12 लाख लेना था रिसीवर से, रिसीवर से 12 लाख लेना था, तो 10 लाख दिया है तो 10 लाख कम कर दिया, ये सर नो, 10 लाख कम हुआ ना, 2 लाख तो बच जाएगा। डेटर को डेबिट कितने से किया था, 12 लाख, फिर माइनस कर दिया 10 लाख से, तो 2 लाख बचा ना, वो तो अकाउंट बनाने से पता चलेगा बैलेंस। 8 नंबर हो गया, अच्छा उसके बाद 9 नंबर लिखा है, 9,90,000 क्रेडिटर को दे दिया इन फुल सेटलमेंट लिखा है ना, हाँ, तो क्रेडिटर को कितना दिया, 9 लाख की 10 लाख, 10, क्रेडिटर को पूरा 10 लाख दिया इन फुल सेटलमेंट, बोलते ही क्या पैसा दिया उससे मतलब नहीं है, हिसाब कितने का हुआ, 9,90 का हुआ है कि 10 का हुआ है, समझ में आ गया मेरा बात, हिसाब कितने का हुआ है, कितने का हिसाब हुआ है। सो क्रेडिटर सप्लायर को पहले क्रेडिट किया था ना, अब हिसाब कर रहे तो क्या करेंगे, डेबिट होगा, कितने से, 10 लाख से। अब बता पैसा कितना दिया, 9,90,000, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड, ठीक है, ये डिस्काउंट क्यों रिसीव हुआ, क्योंकि तुम किसी को प्रॉम्प्ट पेमेंट दिया है, क्या दिया है, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी दे दिया बोल के पैसा, सामने वाला तुम्हारा पैसा माफ कर दिया, दस नंबर सैलरी टू बैंक कितना, अभी उसमें से प्रीपेड वगैरह से कोई मतलब नहीं, एडवांस वगैरह से, राइट,
तो जनरल रिकॉर्ड करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, हमने सिंपल आपको चीज बताया, या तो आपको कोई एसेट वगैरह मिलेगा या आपको कोई सर्विस मिलेगा, राइट right? और अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो क्या खोजेंगे, रिसीवर, क्या खोजेंगे, रिसीवर, ठीक है। तो सर क्या मैं बोल सकता हूं एसेट डेबिट होता है, क्योंकि आज जब तक तुमको कैश मिलेगा नहीं तब तक तुम उसको खर्चा नहीं कर पाएगा, तो कैश का खर्चा करना रिसीविंग होना जरूरी है, यस और नो? तो इसीलिए जो भी रिसीव होता है डेबिट, कैश, एसेट, फर्नीचर रिसीव हुआ डेबिट, जितना भी सर्विस रिसीव होता है, रेंट, सैलरी, इन सबको क्या करते हैं, डेबिट। तो एक्सपेंस भी डेबिट हो रहा है। सर्विस मतलब क्या, एक बार रिसीव करेगा हो गया कि हर बार करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा सर्विस रिसीव। बस का सर्विस जो तुम उठाते हो, बस में जो ट्रैवल करते हो, हर दिन टिकट कटाते हो कि एक ही दिन का टिकट से चल जाता है, तो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना। मतलब जो चीज बार बार करना पड़े, सर्विस रिसीव्ड, उसको एक्सपेंस बोलते हैं, राइट। तो एसेट डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। अगर हम सर्विस देंगे तो मेरे लिए इनकम हो गया ना, जब सर्विस लेते तो पैसा भरते हैं हम, एक्सपेंस, सर्विस दे रहे हैं तो पैसा मिलेगा, इनकम, क्या इनकम, सर्विस दे रहे हैं, या कोई एसेट दे रहे हैं तो एसेट पहले डेबिट था, एसेट देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल, यस और नो? एसेट जब दे देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट डेबिट होता है। और अगर हम कुछ नहीं दिया है तब क्या, देन आई विल लुक फॉर सप्लायर, क्या सप्लायर, अगर कुछ नहीं दिया है इन दैट केस आई विल लुक फॉर सप्लायर, राइट। सिंपल सा रूल है, आइए ये हो गया, मैं रूल लिखा दूंगा, राइट right? सो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू फॉलो दिस इट बिकम्स इजी फॉर यू। हटाएं इसको, तो इसके पहले हमको नंबरिंग करना है, पता चलना चाहिए कितना लेजर बनाना है, एक दो तीन, एक चार, एक पांच, छः, सात, आठ, नौ, एक, दस, एक, एक, सात, छः, एक, ग्यारह, बारह, तीन, टोटल में हमको 12 ठो लेजर बनाना है, ठीक है। कितना लेजर बनाना है हमको, 12 लेजर बनाना है, इज इट फाइन? हाँ, तो देख लीजिए, सबका अपना अपना जनरल करने का तरीका होता है। रूल्स मैं आपको बता देता हूं, रिसीविंग एस्पेक्ट डेबिट करते हैं आपको, या तो एसेट रिसीव होता है, मतलब एसेट रिसीव मतलब कैश या बैंक में या फिक्स्ड एसेट, राइट, प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस, या आपको सर्विस रिसीव होता है, that is expense,
कैश बैंक फिक्स्ड एसेट रिसीव, सो इसको हम लोग बोलेंगे एसेट रिसीवर और डेटर्स इज ऑल्सो एसेट. है ना, गिविंग एस्पेक्ट क्रेडिट सिंपल कैश बैंक फिक्स्ड एसेट given asset decrease service given right income अच्छा सर्विस में गुड्स भी लिख लो राइट गुड्स मतलब जिसको रीसेल के लिए खरीदा था याद है ना यस और नो रिसीवर पेज सो एसेट डिक्रीज मतलब किस चीज का रिसीवर का बात हो रहा है ये कौन रिसीवर है रिसीवर ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस सो वो रिसीवर अगर पेमेंट करेगा तो एसेट कम हो जाएगा ना एंड कैश मिलेगा कैश बढ़ जाएगा नाउ सप्लायर अगर कोई पेमेंट नहीं किया तो सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज पेड सप्लायर सो लायबिलिटी फॉल्ट जोन समझ में आ गया सिंपल लॉजिक है गुड्स एंड सर्विसेस इसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं राइट मनी भी हो सकता है गुड सर्विसेज ऑब्लिक मनी गुड सर्विसेज ऑब्लिक मनी बैंक से लोन लिया या किसी को लोन दिया सो बेसिकली हमको समझ में आ रहा है एसेट एंड एक्सपेंस होता है डेबिट इनकम एंड लाइबिलिटी होता है क्रेडिट अब एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा ही ना जब एसेट डेबिट हो रहा है एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा लाइबिलिटी क्रेडिट होता है सो लाइबिलिटी जब चुकाएंगे तो डेबिट होगा सिंपल
डेटर आसेट है, डेबिट किया, जब डेटर पैसा दिया तो डेटर कम हो गया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर लाइबिलिटी था, क्रेडिट किया, जब क्रेडिटर को पैसा दिए तो लाइबिलिटी कम हो गया तो डेबिट कर दिया, सिंपल है। तो इस टाइप का नॉलेज से क्या होता है ना, आप क्लासिफिकेशन वाला स्टेप नहीं करके आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो क्या हमारा आधा से आधा दिमाग उसमें चला जाता है, इसमें कोई बड़ा बात है ही नहीं। कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी, पोजीशन, इस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी एंड पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस इनकम, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, और ये वाला भी क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो हो तो गया ये रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उसी को हमने स्प्लिट करके बताया आपको। रूल्स याद करने का दरकार नहीं है, एसेट रिसीव हुआ डेबिट, एसेट दे दिया क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम, एक्सपेंस डेबिट, इनकम, क्रेडिट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी चुका दिया, सिंपल, और क्या है। तो यही सब ट्रांजैक्शंस आते हैं आपके, पूरा समरी दे दिया मैंने। एनीवेज, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। क्या बनाएंगे हम लोग, अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। सो लेजर अकाउंट हम लोग होमवर्क में करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे लेजर अकाउंट्स बनाना है ना, तो खाली एक ठो बनाते अपन कैश अकाउंट, बाकी हम लोग घर पर करेंगे। कितना लेजर है, 12 लेजर है। तो लेजर एक हार्ड बाउंड कॉपी की तरह होता है, इट्स एन हार्ड बाउंड बुक, जहां पे हर एक पन्ने में एक एक अकाउंट खोला जाता है। जैसे कैश के लिए 2-3 पन्ने छोड़ दिया जाता है क्योंकि बड़ा होता है वो, राइट। हर एक पन्ने में एक एक अकाउंट खोला जाएगा, लेजर अकाउंट, एंड उसमें हर ट्रांजैक्शन का कितना पोस्टिंग जाएगा, हर ट्रांजैक्शन का 2 पोस्टिंग जाएगा। जैसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना से हुआ है, बोलो, 3 लाख। सो कैश डेबिट हुआ तो कैश का डेबिट साइड में मैं लिख दिया 3 लाख। अगर मैं कैपिटल बना रहा होता तो कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिख देता 3 लाख। अपने जो 2x करते हैं ना, वो दिमाग में मत लगाना, 2x बेकार का चीज होता है, 2x खाली रेफरेंस के लिए यूज होता है। मेरा बात ध्यान से सुनो, आजकल तो अकाउंटिंग पैकेज आ गया है, अपने को खाली जर्नल एंट्रीज बैठाना है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब ऑटोमेटिकली बन के निकलता है। सो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखो जर्नल में आया ना, लेजर खाली हर फाइनेंशियल आइटम का, 12 ठो फाइनेंशियल आइटम है ना, 12 लेजर, उसका इतना बार आया गया, आया गया, आया गया, रिसीव रिसीव गिव रिसीव गिव, उसका नेट बैलेंस निकालना, इसलिए अपने लेजर बनाते हैं, राइट। सो पहला ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो तो कैश का डेबिट साइड में आएगा बाय गिविंग रेफरेंस ऑफ द क्रेडिट। समझ में आ रहा है, यस और नो? जो जनरल में डेबिट है वो लेजर के डेबिट साइड में आएगा, रेफरेंस क्रेडिट का देते हैं। कैपिटल क्या है जनरल में, क्रेडिट साइड में आ गया, रेफरेंस डेबिट वाला देंगे बाय कैश, रेफरेंस मेन ये अमाउंट है, कैश का डेबिट साइड में आ गया, कैपिटल का क्रेडिट में आ गया, बाकी तुम ये रेफरेंस गलत भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारा लेजर बैलेंस तो सही आएगा ना।
सो लेजर किसको बोलते हैं, कॉपी की तरह होता है जहां पे हर एक पन्ने में एक एक अकाउंट बनाया जाता है, जो अकाउंट बड़ा होता है उसमें चार पांच पन्ना बीच में छोड़ दिया जाता है। पोस्टिंग कैसे होती है, अगर जनरल में कोई आइटम डेबिटेड है तो लेजर का कौन से साइड में आएगा, वो डेबिट साइड में ही आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। अगर जनरल में डेबिट है तो लेजर के कौन से साइड में आएगा, रेफरेंस किसका देते हैं, क्रेडिट वाले का। तो कैश डेबिट है तो कैश का देखो डेबिट साइड में ही आया है, चेक करो कैश का कौन सा साइड में आया है, डेबिट साइड में आया है, रेफरेंस क्रेडिट वाला दिए हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात, हाँ। तो अगर कोई जनरल में डेबिट है कहाँ आएगा, रेफरेंस कैपिटल जनरल में क्या है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है, रेफरेंस डेबिट वाला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक परचेज वाला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, परचेज वाला का क्या क्या है। जैसे मैं परचेज अकाउंट खोल लिया और क्रेडिटर्स अकाउंट भी खोल लिया, तो परचेज का जनरल एंट्री क्या है, देखो तो परचेज क्या हुआ है, तो डेबिट साइड में आएगा, रेफरेंस टू क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में आएगा, रेफरेंस डेबिट वाला। सिंपल है, हाँ। अच्छा आप क्रेडिटर पेमेंट वाला देखो, क्रेडिटर का सेटलमेंट 10 लाख से हुआ ना, तो क्रेडिटर डेबिट कितने से हुआ है, 10 लाख से, तो क्रेडिटर का डेबिट साइड में इधर देखो, क्रेडिटर का डेबिट साइड में 10 लाख ही आएगा, रेफरेंस दो है, कैश डिस्काउंट रिसीव, तो इसलिए 990 और 10, बट अल्टीमेटली आ तो 10 ही लाख रहा है ना। अच्छा कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से, तो कैश में 990 आएगा, रेफरेंस डेबिट वाला देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से क्रेडिट हो रहा है, तो 10,000 ही लिखेंगे, रेफरेंस में डेबिट वाला देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो क्रेडिटर डेबिट है तो डेबिट साइड में 10 लाख आ गया, यस और नो, हाँ बरोबर है। कैश क्रेडिट है तो कैश का क्रेडिट साइड में आ गया, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है तो क्रेडिट में आ गया। समझ में आ रहा है मेरा बात, बोलो बरोबर है, हाँ। आइए हम लोग खाली कैश का करेंगे, पहला ट्रांजैक्शन में कैश था, दूसरा वाला में कैश क्रेडिट है, रेफरेंस में लिखेंगे बाय बैंक, उसके बाद वापस से कैश क्रेडिट है 20,000, रेफरेंस में लिखेंगे बाय फर्नीचर, उसके बाद कैश डेबिट है 10 लाख, रेफरेंस में लिखेंगे डेटर, फिर कैश क्रेडिट है 990, हो गया, और तो कुछ नहीं है ना, हाँ। कौन सा साइड हाई है, ओ रेंट भी है ना, कैश, हाँ रेंट भी है, फिर कैरेज इनवर्ट 20,000 है, क्रेडिटर्स वाला तो ऊपर लिख दिया ना, पहले ही लिख दिया था, ठीक है। देखा लाइन से मेरा छूट गया ना, तो तुम लोग भी लाइन से करना, तो हम तो खाली एक ठो करके दिखाया, तुम लोग क्या करना, पहले 12 लेजर खोलना, हर लेजर का डेबिट क्रेडिट बैठा के फिर एक साथ बैलेंस निकालना, राइट। सो पहला में क्या था, पैसा आया है, फिर बैंक में जमा किया गया है, फर्नीचर खरीदा गया है, फिर रेंट ट्रांसपोर्ट पे किया गया है,
रेंट पे किया है, गया है, डेटर से आया है, क्रेडिटर को दिया है, राइट। सो देखो डेबिट साइड हाई आ रहा है ना, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, तो टोटल 13 लाख है। बैलेंस कितना रहा? 10 माइनस करो, जो साइड का हायर होता है उसका उल्टा साइड में आता है, वन एटी सेवन। तो बताओ ये बैलेंस डेबिट आया है कि क्रेडिट बैलेंस आया है? यहां लिखा कैरिड डाउन है, बट अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। ये वाला डेबिट साइड हायर है तो बैलेंस डेबिट ही आता है, पॉजिटिव हाई है, प्लस 12 माइनस 8, प्लस 12 माइनस 8, आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? प्लस में ही आएगा ना, तो वही है, अगर डेबिट साइड हाई है तो आंसर डेबिट ही आएगा। लिखा क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि बोथ साइड बैलेंस करना है, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग सिस्टम। तो सबका बीडी चेक करेंगे, सीडी वाला नहीं, ठीक है? सबका क्या चेक करेंगे, क्या नहीं चेक करेंगे? सीडी नहीं चेक होगा। इज दैट फाइन? समझ में आ गया? सो ये कैश अकाउंट को कॉपी कर लो, बाकी इस तरीके से तुमको बाकी सब अकाउंट घर में बनाना है। हम लोग डायरेक्टली अभी ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, जल्दी करो फटाफट एकदम। ठीक है, बोलो, हटा दें, आइए अब हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे? सब बता दिया, ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए देखते हैं, पार्शियल ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। अगर ट्रायल बैलेंस टैली करा तो ये दोनों एरर नहीं है, कौन सा एरर हो सकता है इवन इफ ट्रायल बैलेंस इज टैलिंग? कंप्लीट ओमिशन, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, गलत रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है? आइटम्स, पहले लाइन से सर आइटम बोलो तो, एक सेकेंड, 12 है ना, हाँ बोलिए। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर तो मैच हो जाएगा, फिर भी लिख लो, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट आएगा ना, ये नंबर और वो नंबरिंग जो क्या जरूरी नहीं है सेम हो, समझ रहा है ना? कैरेज इनवर्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरीज, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मैंने सबका लेजर मन में बना लिया है, मैं आपको सीधा बैलेंस लिख के दिखा रहा हूं। कैश का डेबिट साइड में बैलेंस आया है, कैपिटल का क्रेडिट में आया है 3 लाख, बैंक का 18,000 डेबिट में आया है, फर्नीचर का 20,000 डेबिट में आया है, परचेज का 10 लाख डेबिट में आया है, क्रेडिटर का कोई बैलेंस नहीं आया, डेटर का 2 लाख डेबिट में आया है, सेल्स का 12 लाख क्रेडिट में आया है, कैरेज इनवर्ड 20,000 डेबिट में आया है, रेंट 33 डेबिट में आया है, सैलरी 32 डेबिट में आया है, डिस्काउंट रिसीव 10,000 क्रेडिट में आया है।
डन। अच्छा तो ये सारे आइटम्स, ये सारे फाइनेंशियल आइटम्स रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड है, सबका समराइज्ड बैलेंस आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल तो मैच कर रहा होगा, देखो ना टोटल क्या निकालना है। ये सारा फाइनेंशियल आइटम देखो, पहले ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है कि नहीं? 15 लाख, 10,000, 10,000 मैच कर रहा है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, ट्रायल बैलेंस कौन कौन सा एरर नहीं हुआ है? एरर ऑफ कमीशन नहीं हुआ है और पार्शियल ओमिशन नहीं हुआ है। एक एरर अभी भी हो सकता है, कौन सा? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्या? कंप्लीट ओमिशन मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो इसलिए उसका 2F, समझ में आ रहा है ना? तो वो एरर हो सकता है, वो एरर कौन सा एरर नहीं है? ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है, पोस्टिंग नहीं, पार्सल ओमिशन और कमीशन एरर, मतलब सही पोस्ट किया है, सही अमाउंट पोस्ट किया, सही साइड में पोस्ट किया, टोटल भी सही निकाला, बैलेंस भी सही निकाला है। तो ये सारा फाइनेंशियल आइटम्स रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? अब क्या खोजना है? इवेंट्स। क्या क्या खोजना है? इवेंट्स। इवेंट्स का क्या मतलब होता है? रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा ये सारे रिकॉर्डेड हैं आइटम, अभी मैं कौन सा आइटम्स निकालूंगा? रिकॉर्डेड वाला कि जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ अभी तक? साल के एंड तक वेट करना पड़ेगा, साल के अंत में पता चलेगा। ये वाले आइटम्स क्या है, रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? समराइज्ड और अनसमराइज्ड? समराइज्ड। अब मैं क्या फाइनेंशियल आइटम्स निकालूंगा जो अभी तक नहीं रिकॉर्ड हुआ? क्यों? अब टाइम आया है, एंड ऑफ द ईयर में पता चलेगा, राइट? सबसे पहला बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना पीस? 2000 पीस, हाँ या ना? हाँ, 10,000 में 10,000 में 8,000 पीस दे दो, 2,000 बच गया ना। अच्छा इसका वैल्यू कितना लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? रिकॉर्ड नहीं है, क्यों? अरे यार क्लोजिंग स्टॉक का बात हो रहा है, ये जो यहां लिखे हो ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? क्यों नॉट रिकॉर्डेड है? अरे रिकॉर्डेड क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक पता ही नहीं चला था, अब तो पता चला है, अब करूंगा इसको मैं रिकॉर्ड, एंड ऑफ द ईयर में पता चलता है, उसके पहले पता चलेगा क्या? भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे आ जाएंगे तो भी नहीं बता पाएंगे स्टॉक कितना है, तो एंड ऑफ द ईयर का वेट करना पड़ता है। कुछ कुछ फाइनेंशियल आइटम ऐसा होता है जिसका, जिसके बारे में पता कब चलता है? कुछ कुछ फाइनेंशियल आइटम के बारे में पता कब चलेगा? वी हैव टू वेट फॉर द ईयर टू एंड, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट दोज आइटम्स, राइट? वन ऑफ हिज क्लोजिंग स्टॉक। तो 2000 पीस बच गया, इसका वैल्यू कितना लेंगे ना? कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं हमेशा, किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, किस पे दिखाते हैं? लेकिन याद करना एक प्रिंसिपल है, आज हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया था वो कितना यूनिट्स पे किया था? कैरेज 10,000 पे किया था, हाँ। तो जैसे हमने कॉस्ट प्राइस को हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना परचेज प्राइस को, यस और नो? तो तुमको लगता नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा खर्चा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है, लिखता है क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालोगे ना तो उसमें परचेज प्राइस तो लेना ही, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस भी लेना। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, 2000 का
₹100 करके कॉस्ट प्राइस और 2000 का ₹2 करके ट्रांसपोर्टेशन, हाँ या ना, कितना आ रहा है? 4000, 2,04,000 होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं, गोडाउन वाला खर्चा नहीं ऐड होगा, रिलेटेड टू परचेज, खरीदते वक्त या गुड्स लाते वक्त। एक बार गोडाउन में आ गया माल, उसके बाद गोडाउन का भाड़ा, गोडाउन का बिजली बिल, सिक्योरिटी गार्ड, गोडाउन का जो, वो सब खर्चा नहीं आएगा क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड नहीं है। आज क्लोजिंग स्टॉक मतलब 2000 पीस को तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, 10,000 में 8,000 बेचा तो 2000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट में हो रहा है, यस और नो? कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट में होगा तो परचेज प्राइस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हाँ या ना, यस और नो? ठीक है, हाँ, आज 2000 पीस बच गया है ना, हाँ है ना, कितना बच गया, कितना बचा, 2000 पीस बच गया, तो 2000 पीस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यस और नो? तो 2000 पीस खरीदते वक्त जो खर्चा लगा उसका भी थोड़ा सा हिस्सा कैरी फॉरवर्ड होगा, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मैं बता रहा हूं, हमारा एक्सपेंस में वही एक्सपेंस रह जाएगा जो सेल से रिलेटेड है। आज हम 10,000 में से 2000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो परचेज प्राइस कितना का रह जाएगा, 2000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिखाना मतलब क्या, खर्चा को कैरी फॉरवर्ड करो, तुम खर्चा कितना किया 10,000 खरीदने का, उसमें से तुम कितना कैरी फॉरवर्ड करने बोल रहा है, 2000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा ना, तो 2000 का परचेज प्राइस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो परचेज प्राइस कितने का बच जाएगा, 8,000 का, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कितने का है, तो उसको भी, उसका भी 2000 पीस का कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, अपने क्या करेंगे, जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जस्ट खाली देखो एक बार, यहां पे परचेज लेंगे 10,000 पीस का, ट्रांसपोर्टेशन लेंगे 10,000 पीस का, तो ये 10,000 पीस का खर्चा हो गया। हम लोग बेचा कितना है, 8,000 पीस को बेचा है, तो 2,000 पीस बच गया ना, कितना बच गया, 2,000 पीस बच गया, तो ये 2,000 पीस का खर्चा को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना अपने को, यस और नो? हाँ, खर्चा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि उतना ही खर्चा दिखाते हैं जितना बिका है, तो बिका कितना, तो खर्चा भी कितने का दिखाएंगे, लेकिन खर्चा कितने का दिखाया हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो परचेज प्राइस जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो प्रोपोर्शनेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है? तो 2000 का परचेज प्राइस ₹100 करके और 2000 का ₹2 करके ट्रांसपोर्टेशन। सर ये कहां लिखा है कि जितने का, जितना इनकम होगा उतना ही एक्सपेंस दिखाना है, अमाउंट में बात नहीं हो रहा है यहां पे, क्वांटिटी का। आज सेल कितने का है, 8,000 पीस का, तो खर्चा भी कितने का दिखाएंगे, 8,000 पीस का दिखाएंगे। कहां लिखा है, ये मैचिंग प्रिंसिपल है। क्या है ये, जैसे हमने 3 लिखाया, चौथा लिखाऊंगा क्या, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है जितने का खर्चा है, जितने का रेवेन्यू है उतना ही खर्चा दिखाओ, तो इसीलिए हम लोग 2000 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जब 2000 परचेस का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो तुमको लगता नहीं है लॉजिकली कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का भी 2000 का कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए? नहीं तो परचेज हो जाएगा 8,000 का, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा 10,000 का, समझ में आ रहा है मेरा बात? सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी लिखा है, हम लोग जब इन्वेंटरी चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में वहां पर भी बात करेंगे, ठीक है? तो ये जो वैल्यूएशन का जो तरीका है ना, ये
ये AS 2 में लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. क्या ये हम तुम लोग को यहां क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि बाद में जब हम तुम लोग को कंसाइनमेंट पढ़ाएगा तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट में भी यही चीज होता है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होके कैरी फॉरवर्ड होता है स्टॉक में, ठीक है ना? जितना माल बच गया उसका परचेस प्राइस तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, तो परचेस प्राइस नहीं, उससे साथ रिलेटेड जो खर्चा है परचेस से उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. इज इट फाइन? हाँ, समझ में आ गया. तो एक होता है ट्रीटमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट है? कैरी फॉरवर्ड करना है. क्यों? क्योंकि इनकम जितना पीस का है खर्चा भी उतना का पीस का ही आएगा. कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल. ये पहला बात क्लियर हो गया. दूसरा, इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करो. वैल्यू 2000 जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो क्या दाम पे करोगे? परचेस प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस. तो 100 रुपए परचेस प्राइस हो गया और 2 रुपया करके प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हो गया. इज इट फाइन? हाँ, समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 2000 पीस कैरी फॉरवर्ड होगा, यस और नो? कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल. क्योंकि रेवेन्यू कितने पीस का है? रेवेन्यू 8000 पीस का. तो खर्चा भी कितने पीस का आना चाहिए? 8000 पीस का आना चाहिए. दिखाया हुआ कितना पीस का है? तो 2000 पीस का परचेस प्राइस कैरी फॉरवर्ड होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी 2000 पीस का कैरी फॉरवर्ड होगा. तो ये 204000 आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू. क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू. नेक्स्ट, और बताओ दूसरा इवेंट क्या है? ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं ना. बोलो, आउटस्टैंडिंग रेंट है, हाँ या ना? तो रेंट भी एक खर्चा है. अच्छा, जैसे परचेस का रिलेशन सेल के साथ है ना, रेंट का तो रिलेशन सेल के साथ हो नहीं सकता. तो रेंट का रिलेशन टाइम के साथ होता है. क्या? एक पीएल कितना महीने का बनता है? तो खर्चा भी कितने महीने का आना चाहिए? तुम फायदा भी कितना महीने का लिया, लेकिन तुम्हारा पे कितना महीने का किया हुआ है? तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाना पड़ेगा, 3000. तो हमको एक बात बताओ, परचेस का मैचिंग किसके साथ हो रहा है? सेल्स के साथ. रेंट, सैलरी, ये सब का मैचिंग किसके साथ हो रहा है? टाइम के साथ. समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, ये सब का मैचिंग किसके साथ हो रहा है? टाइम के साथ. इसके अलावा बोलो, और क्या है? प्रीपेड है सैलरी में, ज्यादा दे दिया. प्रीपेड सैलरीज कितना है? जैसे रेंट 11 महीने का दिया था, तो एक महीने का मैचिंग करने के लिए रेंट खर्चा आना कितने का चाहिए? पीएल में 12 महीने का आना चाहिए, लेकिन दिखाया हुआ कितने महीने का है? तो एक महीना का बढ़ा देंगे. आउटस्टैंडिंग रेंट देना है ना पैसा. वैसे सैलरी ज्यादा दिया हुआ कि कम? लेकिन दिखाएंगे कितना? 12 महीने का, इसलिए कम करेंगे. प्रीपेड सैलरी कितना कितना है? दो हजार. और बोलो, और क्या है? डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है. फर्नीचर से बेनिफिट कितना साल मिलेगा? 4 साल, यस और नो? तो फर्नीचर का जो खर्चा है उसको कितना साल में तोड़ तोड़ के दिखाएंगे? 4 साल में ना. तो पहला साल खर्चा कितना आएगा? 5000. एसेट कितना आएगा? 15000. क्योंकि जो बेनिफिट हम ले चुका है उसको एक्सपेंस बोलते हैं. टाइम के साथ मैच करके दिखाते हैं, यस और नो?
benefit derived is what? Benefit derived is what? Expense? Yes or not? और जो benefit yet to be derived है? Asset. तो शुरू में जब furniture खरीदा, शुरू में जब furniture को खरीदा था, तो benefit derived था कि yet to be derived था? Yet to be derived, asset था. एक साल हो गया? तो benefit derived कितना? 5000? 20000 को 4 से divide कर दो. Benefit derived कितना? कितना? 5000. अब at the end of first year benefit yet to be derived कितना है? तो वो asset में आएगा. फिर second year वापस से benefit derived कितना? 5000. Benefit yet to be derived? 10000. Third year में benefit derived? Benefit yet to be derived? Fourth year में benefit derived? 5000. Yet to be derived? Zero. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये जो benefit derived जो हम बोल रहे हैं इसी को depreciation expense बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Expense. Is that fine? हाँ, समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, तो matching principle क्या बोलता है? जितना का revenue, उतना का expense, ठीक है? तो जो भी closing stock बच जाता है, उसको क्या कर देते हैं? Carry forward कर देते हैं, ठीक है? Yes or no? जब value निकालेंगे, value, तो closing stock का value में क्या-क्या लेते हैं? परचेज प्राइस लेंगे और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, ठीक है? बहुत सारा खर्चा टाइम से रिलेटेड होता है, तो उसका मैचिंग सेल से साथ करेंगे कि टाइम के साथ करेंगे? कितना? 12 महीना. तो खर्चा अगर 11 महीने का दिखाया हुआ है तो एक महीने का जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग. खर्चा अगर ज्यादा दिखाया हुआ है तो लेस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड, राइट? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5000. हो गया, कंप्लीट हो गया. और कुछ है क्या इवेंट्स में? पांचवा नंबर इवेंट क्या है? नेट प्रॉफिट. वो तो निकालेंगे और दिखा देंगे. हाँ या ना? यस और नो? तो बताओ, ट्रायल बैलेंस में जो सब है रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? ट्रायल बैलेंस वाला, ट्रायल बैलेंस वाला रिकॉर्डेड है. क्या है? रिकॉर्डेड है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? हाँ, रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? नॉट रिकॉर्डेड. तो ये वाला फाइनल अकाउंट में कितनी जगह आएगा? ट्रायल बैलेंस वाला एक जगह और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला, क्योंकि नॉट रिकॉर्डेड है. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये सब को हम बोलेंगे रिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स. और ये क्या क्या है? अनरिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स. क्यों अनरिकॉर्डेड है? साल के अंत में ही पता चलता है. जैसे क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना, आउटस्टैंडिंग रेंट 12 महीना के साथ मैच करके दिखाना है, प्रीपेड सैलरी 12 महीना के साथ मैच करके दिखाना है सैलरी को भी, डेप्रिसिएशन एसेट से जितना बेनिफिट डिराइव कर लिया उतना खर्चा, बाकी और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट? अच्छा, जब आपने परचेस किया था, एक लॉजिक बताना. परचेस जब किया था तो स्टार्टिंग में उसको एसेट माना कि एक्सपेंस माना? परचेस गुड्स, एक्सपेंस माना. उसमें से अगर साल के अंत में कुछ बच जाता है तो उसको अपने क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड एसेट दिखाते हैं. क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट ही होगा ना. वैसे ही फिक्स्ड एसेट जब खरीदा फर्नीचर, तो उसको स्टार्टिंग में क्या दिखाया? एसेट, क्योंकि बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड. जैसे ही एक साल हुआ, जैसे ही एक साल हुआ बेनिफिट रिसीव हुआ ना, तो उसको क्या बोल के दिखाया? एक्सपेंस. जो बेनिफिट रिसीव हुआ और जो बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड है उसको, तो कहने का मतलब है जब गुड्स खरीदते हैं हम तो स्टार्टिंग में उसको क्या बोल के दिखाते हैं? एक्सपेंस. कुछ बच जाएगा तो कैरी फॉरवर्ड एसेट. फर्नीचर खरीदा तो स्टार्टिंग में क्या दिखाएगा? एसेट. जब सर्विस रिसीव करोगे, बेनिफिट यूज करोगे, तब
एक्सपेंस, समझ में आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है, इज दैट फाइन? हाँ, तो ट्रायल बैलेंस में जो सब है, ट्रायल बैलेंस में जो सब है वो क्या है? रिकॉर्डेड इवेंट्स. वाई? एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा. कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? तो पहले निकाल लो, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग होगा, प्रीपेड होगा, डेप्रिस. अगर मान लो मैचिंग प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता? हाँ, तुमको बताया ना, 12 महीने का पीएल बनता है तो खर्चा 12 महीने का आना चाहिए. यस और नो? नहीं तो तुम तो 11 महीने का दिखा के पीएल बना देता, 13 महीने का दिखा के पीएल बना देता, 14 महीने का दिखा के पीएल बना देता. इज दैट फाइन? हाँ, मैचिंग हो रहा है, जो सर्विस रिसीव किया उसके बेसिस पे चीज बन रही है, राइट? इज दैट फाइन? हाँ, अब मेरे को बताओ, डेबिट मतलब हमने तुमको पहले ही बता दिया था, डेबिट मतलब क्या होता है? एसेट एक्सपेंस. क्रेडिट मतलब इनकम लाइफ. तुम जाएगा तो चला जाओ. कैश क्या होता है? एसेट होता है. कैपिटल लाइबिलिटी. बैंक एसेट. फर्नीचर एसेट. परचेज एक्सपेंस. गुड्स एक्सपेंस होता है ना. क्रेडिटर लाइबिलिटी है बट खत्म हो गया. डेटर एसेट. सेल्स इनकम. कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस. रेंट सैलरी. डिस्काउंट रिसीव्ड. समझ में आ गया? हाँ, अच्छा. क्लोजिंग स्टॉक एसेट. आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं, वो तो मैचिंग करने के लिए दो दो इफेक्ट आएगा ना इसका. कितना इफेक्ट आएगा? दो इफेक्ट, क्योंकि ये सब नॉट रिकॉर्डेड है. पहले क्लोजिंग स्टॉक कैसे करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे, फिर बैलेंस शीट में एसेट दिखाओगे. आउटस्टैंडिंग 11 महीने को पहले मैच करने के लिए 12 महीना पे लेके आएंगे. यस और नो? 11 महीने का दिखाया ना, मैचिंग करने के लिए. मैचिंग किसके साथ होता है? रेंट का. टाइम के साथ. टाइम 12 महीना है पीएल का, तो 11 को 12 लेके आना, तो जोड़ के लाएंगे. अब वो है क्या तुम्हारा? लाइबिलिटी है, चुकाना है पैसा. वैसे ही प्रीपेड सैलरी क्या है? एसेट, क्योंकि बेनिफिट येट टू बी डिराइव, मिलेगा कैरी फॉरवर्ड, तो एक्सपेंस को कम करके एसेट. डेप्रिसिएशन, वेरी गुड. समझ में आ रहा मेरा बात? मतलब इन सबका दो दो इफेक्ट है. इन सबका कितना इफेक्ट है? ये कैरी फॉरवर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल में, परचेज से लेस होगा. कैरी फॉरवर्ड होके फिर एसेट दिखाएंगे. इसको एक्सपेंस में जोड़ के, क्योंकि मैचिंग करना है पहले, उसके बाद आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे. इसको एक्सपेंस में कम करेंगे मैचिंग करने के लिए, उसके बाद एसेट दिखाएंगे. इसको फर्नीचर से कम करेंगे क्योंकि बेनिफिट डिराइव्ड, उसके बाद एक्सपेंस दिखाएंगे. अगर तुमको ये सब ट्रायल बैलेंस में दिख जाए, ये तो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो दो दो इफेक्ट आएगा. अगर ये सब तुमको ट्रायल बैलेंस में दिख जाए, कहां दिख जाए? ट्रायल बैलेंस में दिख जाए, राइट? अगर तुमको ये सब ट्रायल बैलेंस में दिख जाए तो इसका मतलब रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड है. तो कितनी बार आएगा? एक बार. तो ये सब याद रखना, एसेट लाइबिलिटी एसेट एक्सपेंस, क्योंकि तब उस समय काम आएगा. अभी तो दो दो इफेक्ट है तो समझ में नहीं आ रहा है. तब उसका नेचर देखेंगे. क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो चुका है. आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस में ऐड हो चुका है, लाइबिलिटी दिखाओ. प्रीपेड एक्सपेंस से लेस हो चुका है, एसेट दिखाओ. डेप्रिसिएशन फर्नीचर से लेस हो चुका है, एक्सपेंस दिखाओ. समझ में आ रहा है मेरा बात? इज दैट फाइन? लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल के कितना इफेक्ट दिखाना है? दो दो इफेक्ट दिखाएंगे. कितना? दो दो इफेक्ट. समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, इज दैट फाइन? सो पर्सनल रियल नॉमिनल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा के नॉर्मल रूल लगाया हम लोग. देखो, जितना भी प्रॉपर्टी पोजेशन है सब एसेट है. सर्विस रिसीव वाला एक्सपेंस है, सर्विस गिवन वाला इनकम है, गुड्स गिवन वाला इनकम है, राइट? इस तरीके से हमारा ये काम होगा. अब अपने को क्या करना है इसका? पीएल एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे एक बार, अपने हाल फिलहाल के लिए भी पीएल बना के काम को क्लोज करेंगे, राइट? कॉपी हो गया सबका? आइए, सो अपने को क्या बनाना है?
कृष्णा गारमेंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 बैलेंस शीट एज ऑन. हमने पहले ही बताया था पीएल पूरे साल का बनता है. ठीक है हाँ, तो पहले ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम को कहीं ना कहीं बैठाएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट को दो दो जगह दिखाएंगे. ठीक है, सबसे पहला आइटम अभी मार्शलिंग में ध्यान नहीं देंगे. सबसे पहला आइटम क्या है? ट्रायल बैलेंस का सबसे पहला आइटम एसेट होगा, हाँ या ना? उसके बाद क्या है? लाइबिलिटी इनर कॉलम. नेक्स्ट क्या है? बैंक एसेट. कितना? 18,000. उसके बाद क्या है? नेक्स्ट परचेस क्या है? एक्सपेंस है 10,00,000. नेक्स्ट क्रेडिटर का तो बैलेंस ही नहीं है. हाँ, डेटर कितना? 2,00,000. हाँ, क्या है? कितना? नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंस है कितना? 20,000. नेक्स्ट क्या है? इनर कॉलम. नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट हो गया. सिंपल है ना? सो ट्रायल बैलेंस में सारा आइटम को कहीं ना कहीं बैठा दिया. अब एग्जाम में क्या होगा? यहां पे 12 आइटम्स हैं, एग्जाम में 7-8 आइटम और बढ़ा देगा, 20 आइटम दे देगा. और क्या करेगा? परचेज है तो परचेज रिटर्न दे देगा, परचेज से लेस करके दिखा देंगे. सेल है तो सेल रिटर्न दे देगा. राइट, जो भी है. डन. पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट की लाइबिलिटी एसेट है. राइट, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है. अच्छा, 10,000 में से बचा है ना क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक अभी बुक्स में क्या दिखाया हुआ है? बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, लेकिन एट प्रेजेंट अभी कहां है क्लोजिंग स्टॉक? नहीं नहीं यहां पे कहां दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक? परचेस में है ना, इसी से तो कैरी फॉरवर्ड करना है. एट प्रेजेंट तो यहां है ना, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, कैरी फॉरवर्ड होगा. कहां है? 10 में से 8 बेचा तो 2 इसी में से बचा ना, तो यहीं से कैरी फॉरवर्ड करना है. तो खाली परचेस प्राइस ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है. सो क्लोजिंग स्टॉक कितना? अब हम इसको एसेट दिखा सकते हैं. समझ में आ रहा है?
जब तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते एसेट नहीं दिखा पाते, क्यों? क्योंकि अभी वो इसमें है. यस और नो, बोलो ना. क्या अलग से 2000 खरीदा क्या? इसी 10 में से बचा है ना, तो ये तो तुम पूरा एक्सपेंस दिखा रखा है. तो सर कैरी फॉरवर्ड ले, एक्सपेंस कम करके हम एसेट दिखाएंगे. यस और नो, हमको बताओ क्लोजिंग स्टॉक एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है. कहां से बचा हुआ है? परचेज में से. परचेज अभी क्या दिखाया हुआ है? एक्सपेंस. यस और नो. तो सर इसको एसेट कैसे दिखाएं? कैसे दिखाएं? परचेज से लेस करो या उल्टा साइड में कैरी फॉरवर्ड करके फिर एसेट दिखाएंगे. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फिर से हमको बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? वन वर्ड, एसेट की एक्सपेंस. एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, एसेट है. क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचता है? परचेज से बचता है. परचेज अभी तुम्हारे बुक्स में क्या दिखाया हुआ है? एक्सपेंस. हाँ, तो एक्सपेंस को एसेट दिखाना है. तो एक्सपेंस को एसेट दिखाना है तो कैसे दिखाएगा? या लेस करो या कैरी फॉरवर्ड उल्टा साइड में लिख के फिर एसेट दिखा दो. ठीक है? हाँ, अच्छा. ठीक है, नेक्स्ट. आउटस्टैंडिंग रेंट. रेंट का मैचिंग किसके साथ होता है? पीएल 12 महीने का बनता है कि कितना महीने का? तो खर्चा भी कितने महीने का आना चाहिए? क्यों? क्योंकि बेनिफिट हम कितना महीने का लिए? 12 महीने का. लेकिन दिखाया हुआ कितने का है? तो 11 को 12 करना है. जोड़ के करेंगे कि घटा के? तो प्लस 3000 कर दो. तो ये आ गया 36. पैसा दे दिया क्या? तो क्या बोल के दिखाएंगे? लाइबिलिटी. क्या? आउटस्टैंडिंग कितना? 3000. प्रीपेड. प्रीपेड मतलब खर्चा 12 महीने का है कि 12 महीने से ज्यादा का पे किया है? 12 से ज्यादा का पे किया, लेकिन दिखाना कितने का है? तो 12 से ज्यादा को 12 में लाना. जोड़ के लाएंगे घटा के? लेस 2000. इसको क्या बोल के दिखाएंगे? प्रीपेड सैलरी एसेट. बेनिफिट मिलने वाला है अगले साल, नौकर फ्री में काम करेगा. पैसा पहले दे दिया ना. ठीक है, इज इट फाइन? नेक्स्ट. डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंस. एक्सपेंस मतलब बेनिफिट डिराइव्ड और येट टू बी डिराइव्ड. बेनिफिट डिराइव्ड. बेनिफिट डिराइव्ड. कितने का फर्नीचर है? 20,000 में 5,000 अगर बेनिफिट डिराइव कर लिया तो उसका वैल्यू कितना? तो ब्लेस करो पहले डेप्रिसिएशन 5,000 यहां से. अब डेप्रिसिएशन को क्या बोल के दिखाएंगे? हो गया ना सारा एडजस्टमेंट का, दो दो इफेक्ट. हाँ, इज दैट फाइन? आ जाइए, नेट प्रॉफिट बताइए. टेल मी द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट ओनर का है क्योंकि सारा पैसा वो लगाया, मेहनत वो कर रहा है, खून पसीना इसका.
कितना 323 आ रहा है क्या? बताओ 6,26,000। देखो 2,05,20,40,20 6,26,000। तो ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम इस तरीके से काम करता है, राइट। अब एग्जाम में क्या होगा, दो चार ट्रांजैक्शन बढ़ा देगा एग्जाम में, या तो ट्रांजैक्शन देगा बोलेगा ट्रायल बैलेंस और इवेंट्स निकालो, या ट्रायल बैलेंस इवेंट्स बना के देगा बोलेगा फाइनल अकाउंट बनाओ, ठीक है। सो हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, टिल देन गुड बाय।